हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड एक्सपर्ट में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट बॉल आइसक्रीम, बहुत ही इजी और यूनिक स्टाइल में। हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट और 5-स्टार और दूध और चीनी लिया है। सबसे पहले हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इतने इजी तरीके से हम ये चॉकलेट बॉल आइसक्रीम बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी बन जाएगी। हमने चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट होने रख सकते हैं। माइक्रोवेव में आप इसको सिर्फ 20 सेकंड में ही मेल्ट कर सकते हैं। हम इसमें कर रहे हैं, चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट से भी इसको बना सकते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो रही है, अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने एक डिस्पोजर बाउल ली है, अब हम इसको इसके अंदर चारों तरफ लगाएंगे और इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे। हमने चारों तरफ इसके चॉकलेट लगा ली है, अब हम इसको फ्रिज में सेट होने रख देंगे। जो हमारी चॉकलेट बची थी वो हमने एक चॉकलेट मोल्ड में डाल ली है। अब हम इसकी आइसक्रीम बनाएंगे। हमने दूध ले लिया है और हमने 5-स्टार चॉकलेट को तोड़कर इसमें डाल दिया है। इतने इजी तरीके से हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे कि खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी भी बन जाएगी बिना किसी झंझट के। हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना होगा जब तक ये पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती और दूध हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे और चॉकलेट भी हमारी मेल्ट हो रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये पूरी तरीके से हमारी मेल्ट हो चुकी है चॉकलेट इसमें और हमारा दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फ्रिज में हम इसको सेट होने के लिए 4-5 घंटों के लिए रख देंगे। ये हमारी बाउल जम चुकी है, अब हम इसको एक पानी में से निकाल के इसको हम रखेंगे और हमारी जो आइसक्रीम बनाई थी वो भी हम इसमें रख देंगे। हमारी बाउल थोड़ी सी टूट गई है, अब जो हमने मोल्ड में चॉकलेट बनाई थी अब हम उसको भी इसमें सेट कर देते हैं और चॉकलेट सॉस से इसको अब हम गार्निश कर देंगे। देखा कितनी इजी है ये चॉकलेट आइसक्रीम बनाना। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।